श्रुति के पापा की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा था हमें उनकी। आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मुश्किल भरे हॉस्पिटल के वो दिन थे मेरे लिए, 10 दिन काटना मतलब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक एक दोस्तों कैसा लग रहा है ड्रेस? हम लोग निकल चुके हैं हाट बाज़ार से, तो ये देखिए हमने क्या क्या लिया है। देखो सेलेक्ट कर रही है ये। जब से बीमार हुए हैं तब से मुंह का फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो गया है पतिदेव का। कभी नहीं 50 रुपये तो आजकल नाक पूछने का रुमाल ही आ जाता है। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि जैसे लोग आईफोन 15 प्रो ले रहे हैं हम भी ले सकें, है ना, यूट्यूब की कमाई से ना। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। एक नए वीडियो के साथ में आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिंदी पहाड़ी ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आई हूं एक नया ब्लॉग लेके। एक्चुअली आपको जैसे ही पता होगा कि देहरादून में डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो उस चपेट में हम लोग भी आ गए थे, पूरा परिवार आ गया था मेरा। और पहले बेटे को डेंगू हुआ, फिर उसके बाद उसके पापा को हुआ, और फिर बेटी को हुआ, फिर मुझे हुआ। तो मतलब बहुत ही मुश्किल था ये महीना मेरे लिए, सितंबर का महीना, क्योंकि रक्षाबंधन के तुरंत बाद ही तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी एक एक करके। और श्रुति के पापा की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा था हमें। उनकी प्लेटलेट्स बिल्कुल ही गिर गई थी। तो पता नहीं ऐसा कौन सा मच्छर था जिसने सारे परिवार को काटा था, और सभी मतलब डेंगू के चपेट में आ गए थे। बहुत ही मुश्किल भरे हॉस्पिटल के वो दिन थे मेरे लिए, 10 दिन काटना मतलब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक एक दिन मतलब एक एक महीने के बराबर लग रहा था। आप सब कुछ ठीक है? और मेरे पति भी डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं और सब कुछ बढ़िया है, पर थोड़ी सी उन्हें वीकनेस है, कमज़ोर हो गए हैं वो थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो रिकवर कर लेंगे। और जिस दौरान वो हॉस्पिटल एडमिट हुए थे उसी टाइम पर उनकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थी, तो हमें वो छुट्टियाँ बढ़ानी पड़ी थी क्योंकि वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो उनकी 30 दिन की छुट्टी उन्होंने अपनी और बढ़ा दी है, तो अभी वो मतलब लीव पे हैं। तो थोड़े बच्चे सब घर में आ गए हैं, इससे बढ़िया और खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो अब रूटीन शुरू करते हैं अपने घर का, और ब्लॉग को अब आते रहेंगे आप ब्लॉग। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, ना भी पसंद आए तो प्लीज़ रीज़न बताइएगा कि क्यों पसंद नहीं आया। तो चलिए अब नाश्ता बनाने का टाइम हो गया, मैंने पूजा कर ली है और इसके पापा नहा रहे हैं, तो मैं चलिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ, बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। तो पतिदेव का नाश्ता लग चुका है और अभी वो फ्रेश हो गए हैं, दिया बत्ती कर दी। चलिए दोस्तों पतिदेव आ गए हैं नहा धो के, मैंने नाश्ता बना दिया है, जरा हेलो बोलो तो। गुड मॉर्निंग, 10 बजे इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है, बताइए। तो पतिदेव ने दिया बत्ती कर ली है और हम नाश्ता कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए मेरे पतिदेव कितने वीक हो रखे, कमजोर। नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। खट्टा हो गया? हाँ अच्छा वाला मट्ठा है। दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। थोड़ा सा हमारा कुछ काम है पेंडिंग बचा हुआ है, जो वो काम हमने करवाना है पतिदेव का। तो थोड़ा बैंक में काम है, तो हम जा रहे हैं इस समय अब मार्केट की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया नहीं गए, अब पतिदेव की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, तो सोचा चलिए ये वाला काम भी पूरा कर दिया जाए। तो दाल रखी हुई है आज राजमा की, बेटी ने कहा था मम्मी राजमे की दाल बना देना, तो राजमा रखा हुआ है मैंने, काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए, तो आके सिर्फ छोंकूँगी, उबाल दिया मैंने। तो चलिए निकलते हैं घर से, खाना पड़ता है मुझे बार बार। तो चलिए निकलते हैं घर से और आपको रास्ते में मिलते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। तो पतिदेव हो गए हैं रेडी और चलिए
का मेरा काम हो चुका है, अब निकलते हैं मार्केट की तरफ। चलिए, आज भीड़ भी लगी हुई है यार, पता नहीं क्या बात है। ये देखिए बाहर पीछे, पता नहीं आवाज तो मुख्य हम एक है। मुझे बैठने तो दो देना। तो चलो दोस्तों, अब हम चले घर की तरफ। बहुत शॉपिंग कर ली हमने, ये खरीद लिए मैंने, कप वगैरह बहुत खरीद लिए। चलते हैं घर पे, मिलती हूँ मैं अब आपको। ठीक है, मैं पहुंच चुकी हूँ, 1:15 हो गई है, घर पहुंच गए हम लोग। और हमसे पहले मेरा बेटा पहुंच गया, यहाँ देखिए ये लेटा हुआ है। और ये देखिए, ये देख रहा है यहाँ पे, और श्री प्रेमानंद जी को देख रहा है, ये सुन रहा है उनके प्रवचनों को। तो चलिए देखते हैं, जरा मैं अपनी टॉप लाई हूँ, जरा देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसा आया है। ट्राई करना तो बनता है ना। चलिए किचन में खाना बनाने के लिए। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, मैं दाल छौंक रही हूँ, और जो मैं टॉप लाई थी अपने लिए, सस्ते से टॉप थी, वो आ रहा है देखो बीच में, तो मुझे अच्छे लगे। 200 रुपये में क्या आता है बताइए, है ना। पल्टन मार्केट का यही तो फ़ायदा है, कभी कभी पल्टन मार्केट में चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मैंने ढूंढा ढांढा, तो मुझे 2 टॉप मिल गए अच्छे से, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने खरीद लिए। आपको बताना कि आपको कैसे लगे 2 टॉप। 200 रुपये में कोई बुरे नहीं है, 50 रुपये तो आजकल नाक पूछने का रुमाल ही आ जाता है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने अब बना लिया है खाना, और 2 बज चुके हैं, अभी आपको टाइम नहीं दिख रहा होगा, 2:10 हो चुके हैं। और ये देखिए मैंने खाना बना दिया है बहुत जल्दी। और ये देखिए राजमा चावल बना रखा है, प्याज है, हरी मिर्च है, और साथ में है रायता। रायता बनाया मैंने आज, रायता, खीरे का रायता बनाया आज। जब से बीमार हुए हैं तब से मुंह का फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो गया है पतिदेव का, कभी इन्हें मिर्च लग रही है, कभी नहीं लग रही है, कभी नमक लग रहा है तो कभी नमक ही नहीं लग रहा है, बताओ। कि देखिए आज कह रहे हैं कि नमक बिल्कुल नहीं है, कम होगा भाई, जुकाम हो रहा है भाई, ऐसे मत बोलो तुम लोग, जुकाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी मुश्किल से सब ठीक हुआ यार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आपको खाना खाने के बाद में, खा लेते हैं, भूख लग गई है, 2 बज गई, तो शाम के 6:30 हो चुके हैं। और अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे ना मंडे को हाट बाज़ार लगता है, तो हम जा रहे हैं हाट बाज़ार में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको यहाँ का हाट बाज़ार, जो कि लगता है कारगी चौक में। चलिए, बच्चे हंस रहे हैं वहाँ, देखिए चढ़ा रहे हैं मुझे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं हाट बाज़ार में, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का हाट बाज़ार का सीन, जो कि हर सोमवार को लगता है। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ की रौनक, और लेना वैसे कुछ है नहीं हमें, वैसे ही थोड़ा घूम घाम। ठीक है, चलिए, जैसे जलेबी वाली देखिए कैसे बन रही जलेबी, हिंदी पहाड़ी ब्लॉग। यहाँ पे शूज भी लगे हुए,
कुछ नहीं लग रहा यार तुम। ठीक लग रहा है मुझे, मैं तो ठीक रहा, कपड़ा अच्छा लग रहा है इसका, अच्छा लग रहा है। बच्चों का कपड़ा भी अबे यहाँ बीस रुपए 40 रुपए किलो मूली भी। हाय क्या लेनी है? नमस्ते, ठीक ठाक? बढ़िया, बच्चा ठीक है? हाँ देख लो, हाँ तो वो देनू चाह खुला पैसा छे छे ना? नहीं नहीं मैं बाथरूम जा रहा हूं। अच्छा खूब दिया है मंदिर के लिए ना, रखने के लिए। अच्छा है कंडी छोटी छोटी, कितने की है भले? कितने की है भैया ये कंडी? ये 80 की लगेगी लास्ट बोलता हूं। हाँ पूजा वूजा के काम के लिए सही है, मस्त लग रहा है। दो ले ले, 100 का है। हाँ बस तो ठीक तो है, एक इसको दे दो और एक वो। 50 रुपए 100 रुपए 50 रुपए दो, गूगल पे करो। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं हाट बाजार से, तो ये देखिए हमने क्या क्या लिया है। 20 ने क्या लिया? तलवार, इससे लिए है पजामी। अब पतिदेव आपने क्या लिया? चप्पल, इन्होंने बिहारी चप्पल ली। माँ जी बिहारी बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो फोन में भी बिहारी लगे हुए। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सामान लिया क्योंकि ये हर सोमवार को लगता है हाट बाजार, तो कभी भी कुछ भी ले लेंगे। फिलहाल तो जो ज़्यादा ज़रूरी था वो ले लिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिश लेने के लिए, पतिदेव को फिश खाने की इच्छा हुई है तो अभी हम जा रहे हैं फिश लेने के लिए, और फिर हम आपको घर पे मिलते हैं। है ना सरादू मनी खाने के लिए अब वो तर्पण दे ला ना, तो इसलिए अब उन्होंने सरादू भी नहीं खाना। मेरे ना फोन में पता नहीं ब्लर ब्लर सा हो रहा है, क्यों हो रहा होगा ब्लर ब्लर सा? YouTube की कमाई से ना, आपके सपोर्ट से तो हो नहीं सकता है, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे उसके बाद ही कुछ होगा। मेहनत हम कर रहे हैं, एक्चुअली बीच में थोड़ा बीमार पड़ गए थे तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाए, पर फिर भी बैक टू लाइफ हम आ चुके हैं, तो कोशिश करेंगे आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने की। बस आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए, लाइक शेयर। चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड भी यहीं पर करती हूँ, हम लोग अब खाना खाएंगे, आप लोग भी अपना खाना एंजॉय कीजिए। ब्लॉग का एंड करूँगी और बहुत जल्द आप लोग नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।